अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और ये इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है और ये मैं यहाँ गैलरी में आई हूँ कि वीडियो शूट करूँ, लेकिन इतनी अच्छा ये इस टाइम अब मैं किचन में आई हूँ, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि नाश्ते का काम जो है वो फारिग करें, फिर उसके बाद बाकी जो काम रहता है समेटने वाला, फ़ैन उस रूम का उतारना है और कुछ चीज़ें हैं वो मैंने अभी सोचा था कि एक दो कॉटन लेके आऊँगी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बुक्स हैं वो डालनी है। तो चलें नाश्ता, और ये साथ ही मैंने अभी चाय रखी है और बस अब पराठे भी बनाऊँगी। इतनी शदीद आज बादल हैं और ऐसे ठंडी हवा है, बिल्कुल भी आज धूप नहीं है। अच्छा जी, अब इस टाइम हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मैं चाय पीने लगी हूँ और नाश्ता जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया, बच्चों को भी नाश्ता करवा लिया। तो अब ऊपर छत पे जाएंगे, थोड़ा सा जो काम छत का है वो समेटना है और सीढ़ियों में जो पेटी वगैरह रखी हुई है उसमें से पोटलियाँ बनानी है वो निकालनी, तो वहाँ जाते हैं ऊपर। अच्छा थोड़ा सा ये है कि आज बिल्कुल भी धूप नहीं है तो रोशनी का इशू होगा, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ अपनी जो रूटीन है वो शेयर करूँ और वीडियो शूट करने की। चलें इसके बाद ऊपर चले। आज सुबह सुबह बहुत ठंड है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और कोशिश यही है कि आज अपना सारा सामान जो है वो क्लोज़ कर लें, तो जितना जल्दी हो सकता है हम लोग शिफ्टिंग का कर लें क्योंकि बारिश का भी सीन नज़र आ रहा है। तो देखते हैं सारा दिन की हमारी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलें अपने दिन का आगाज़ करते हैं। टाइम मैं अभी छत पे आ गई हूँ, ये देखें काफ़ी हद तक मैंने छत का भी जो एक्स्ट्रा सामान था वो भी सीढ़ियों में कर दिया, बस ऐसा ऐसा यहाँ से नीचे उतारेंगे। तो ये है कि मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, देखें कितने बादल हैं आज, ये देखें काफ़ी बादल हैं आज और धूप लग रहा है कि बिल्कुल भी निकलने का कोई आसार नहीं है। अच्छा ये इस टाइम अब मैं किचन में आई हूँ, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि नाश्ते का काम जो है वो फारिग करें, फिर उसके बाद बाकी जो काम रहता है समेटने वाला, फ़ैन उस रूम का उतारना है और कुछ चीज़ें हैं वो मैंने अभी सोचा था कि एक दो कॉटन लेके आऊँगी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बुक्स हैं वो डालनी है। तो चलें नाश्ता बना। आज सुबह सुबह बहुत ठंड है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और कोशिश यही है कि आज अपना सारा सामान जो है वो क्लोज़ कर लें, तो जितना जल्दी हो सकता है हम लोग शिफ्टिंग का कर लें क्योंकि बारिश का भी सीन नज़र आ रहा है। तो देखते हैं सारा दिन की हमारी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। चलें अपने दिन का आगाज़ करते हैं। अच्छा ये चारपाई को अब हम फोल्ड करेंगे ताकि ये हम इसको भी फोल्ड करके नीचे ले जाएं। ऐसे हो गया। अच्छा ये हस्बैंड ने भी पंखा उतारा है ऊपर से, बस अब इसको खोल रहे हैं। और ये देखें हमने काफ़ी हद तक सामान की क्लोजिंग कर ली है, ये देखें इस वाले रूम में भी काफ़ी सामान इकट्ठा करके रख लिया। और ये देखें इस वाले रूम में भी काफ़ी हद तक सामान जो है वो क्लोज कर लिया। और ये देखें यहाँ पे ये बेड और ये चारपाई, ये चीज़ें खोल के रख ली हैं। और अभी जो दूसरे वाले घर में जाएंगे वहाँ पे क्लीनिंग के लिए, तो फिर वहाँ पे मैं वीडियो शूट करूँगी, फिर वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा छत पे आई हूँ, हालांकि आज मौसम बहुत ठंडा, दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा छत पे आने, लेकिन दिल बहुत उदास हो रहा है। बस जहाँ पे रहते हैं वहाँ दिल लगा लेते हैं, मोहब्बत हो जाती है उस एरिया से। तो बस यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सबको अपना घर दे, क्योंकि जहाँ पर आप रहते हैं ना वहाँ पर आप हर चीज़ अपने घर की तरह समझते हैं और फीलिंग्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा अटैच, तो बस फिर बहुत दुख होता है। तो मेरा आज बहुत दिल उदास है, लेकिन बस करना तो पड़ेगा, आपको पता है उनकी भी मजबूरी है जिनका घर है, उनके गेस्ट आ रहे हैं तो उनको चाहिए। वैसे भी जिनकी चीज़ होती है वो जब चाहें, ये उनको होता है कि वो खाली करवा लेते हैं। जहाँ पे रहते थे वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी उस घर के साथ। और ये परिंदे ऊपर आके बैठते हैं, खाना खाते हैं और मुझे बहुत अच्छा एहसास होता है इनको देख के। अच्छा व्यूवर्स, इस टाइम मैं छत पे आई हूँ और इतना ठंड का माहौल है, इतनी सर्दी है आज, धुंध है बिल्कुल, पता नहीं वीडियो में इतना प्रोमिनेंट हो रहा है या नहीं, बहुत ज़्यादा धुंध है, बहुत सर्दी है आज।
तो ये है कि छत की भी क्लोजिंग थोड़ी बहुत जो रह गई थी वो हमने की है अभी, तो बस इसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे का काम जो है वो करेंगे। तो आज दिल मेरा बहुत उदास है, और मुझे इस घर में सबसे ज़्यादा एक तो वो गैलरी और छत बहुत अच्छी लगती थी। बस ऐसे लगता था जब भी दिल करता था सुकून से छत पे आके बैठ जाती थी। और मैंने तो बल्कि ये भी प्लान किया था कि हम गर्मियों में यहाँ छत पे ऊपर जो है वो शाम में आके बैठा करेंगे। तो बस चलें, बस अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें अपना घर दे, क्योंकि आपको पता है अपने